रहका में खाद को लेकर भूखे प्यासे किसान परेशान, कई कई दिन तक काटना पड़ रहा है बिक्री केंद्र का चक्कर, नहीं मिल पा रहा सभी को खाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्मिता उपाध्याय। वैसे तो संपूर्ण मधुबनी जिले में खाद को लेकर किसानों को परेशान होते देखा जा रहा। वहीं जिले के रहका प्रखंड कार्यालय स्थित उवरकर बिक्री केंद्र पर खाद पाने को लेकर किसानों की काफी भीड़ देखने को मिला। जब किसानों की समस्या जानने की कोशिश किया गया तो किसानों ने बताया कि हम लोग सुबह से भूखे प्यासे लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक हम लोगों को खाद नहीं मिला, जिससे हम लोग काफी परेशान हैं। वहीं किसानों का कहना है कि खाद विक्रेता 11 बजे अपनी दुकान खोलते हैं और कुछ देर बाद ही कहा जाता है कि खाद खत्म हो गया, तो हमें बिना खाद लिए वापस जाना पड़ता है। हम लोग 4 दिनों से लगातार सुबह 6 बजे आकर दिन भर लाइन में लगकर बिना खाद दिए वापस जाना पड़ रहा है। कई किसानों का कहना है कि डीलर ब्लैक से खाद बिक्री कर रहा है। हम लोग को कई दिनों के से लाइन में लगने के बावजूद खाद नहीं मिल पा रहा, यहाँ पर खाद की कालाबाजारी हो रही है। बीएनपी न्यूज के लिए मधुबनी से राजीव कुमार झा की रिपोर्ट। हल्ला गुल्ला कर लिया है। क्या बजे खुल लिया? यहाँ 10 बजे खोला है। सारे उठा के बैठा हुआ था। 11 बजे वितरण चालू किया है? 11 बजे से। वो भी दुकुर दुकुर करके दे रहा है, जो ब्लॉक करता है उसको देता है खाद। वो ब्लैक से बेचता है उसको। 11 बजे लोगों का यहाँ पे आरोप है कि 11 बजे से यहाँ पे खाद की जो है वितरण शुरू हुई है और अभी समय 2:30 बजे हो रहा है और यहाँ पे जो वितरण करने वाले हैं वो करीब 20 मिनट से भोजन कर, आधा घंटा से ऊपर हो गया वो लोग भोजन करने गए हैं और कहीं ना कहीं जो भोजन की जो समस्या है और यहाँ पर जो है जो पब्लिक है उनको पीने के लिए जो है पानी की भी कोई व्यवस्था नहीं है, न तिरपाल है न छांव है, क्योंकि इन लोग का यही दोष है क्योंकि ये किसान है इसलिए इतनी यातना सहते हैं और निश्चित रूप से इस चीज़ पर अमल देने की ज़रूरत है, अमल करने की ज़रूरत है। जिला प्रशासन से लेके हमारे जो बिहार सरकार हैं उनको किसानों के हित को देखते हुए अविलंब खाद की आपूर्ति जो है हर प्रखंड बाय प्रखंड करना चाहिए ताकि किसान लोग जो विभिन्न प्रखंड से जिला के विभिन्न कोने कोने से यहाँ आते हैं तो वो खाली हाथ या बैरंग होकर वापस ना जाए, इस चीज़ का समुचित ख्याल रखा जाए।